आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजिंदर मैं है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बेसिकली कोटपुर से बिलोंग करता हूँ, बट पैदा और रेजअप जो हुआ हूँ वो शिमला में ही हुआ। तो सर ये पेंटिंग स्केच बनाने हैं, पेंटिंग है या स्केच है? ये वाटर कलर स्केच है, पेन ड्राइंग्स है, इससे रिलेटेड ही सारा ये है। बाकी जो पेंटिंग्स है वो मेरे मम्मा करते हैं एंड मैं उनसे थोड़ा बहुत सीखता हूँ, कभी कभी करता भी हूँ, बट हाँ मेनली मेरा स्केचिंग वगैरह ही है। तो सबसे बेस्ट कौन सी लगी सर आपको जो आपने बनाई है इस वक्त? सबसे बेस्ट एक तो मेरी जो रेक वाली है, जो हमको पसंद आई है। उसके अलावा एक सन एंड मून है जो वहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो भी है, जो कि मेरे को काफ़ी अपने खुद के उससे पसंद आई है। हाँ मैंने ये अच्छा बना। तो इसकी क्या कॉस्ट रखी है सर? इसका प्राइस हमने 2 से 2.5 हज़ार के बीच में रखा है कि जिसको भी खरीदनी हो वो खरीद सकता है। 2 से 2.5 हज़ार है। ये तो हमारी पहली एग्जीबिशन है, तो हमने सोचा है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स ला पाए तो थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो सर ऑनलाइन मिल सकती है आपको या बाई कुरियर कैसे भेजेंगे आप अगर चाहिए किसी को पेंटिंग? अगर आपको ऑर्डर करना है तो आपको यही आके हमारे पास करना पड़ेगा। बिकॉज तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर? आप हमारा कॉन्टैक्ट जो होगा क्योंकि इसमें तो लगा नहीं है कोई, इसमें एक्चुअली जो ये QR कोड्स है ये हमारी इंस्टाग्राम IDs पे ही आप हमारे को डायरेक्टली पहुँचाता है, तो जिसको भी हमारे तक पहुँचना होगा वो डायरेक्ट इससे हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ऐसे मोबाइल नंबर सर? मोबाइल नंबर मेरा है 9816310965, बट और बल्कि जिसको पूरा डिटेल्स वगैरह भी चाहिए वो मेरे मदर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, उनका पूरा बिजनेस कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक सर, तो आपका हॉबी है सर या शौक है? बल्कि ये तो प्रोफेशनल है? नहीं नहीं, प्रोफेशनल तो अभी कुछ नहीं है, बचपन से हमारे को करने का शौक था। मेरे मम्मा भी बचपन में करते थे उनके स्टार्टिंग से लेकर, बट एक्चुअली आफ्टर मैरिज ऐसा होता है मम्मा को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह थी तो मम्मा का भी छूट गया था। बट उसके बाद लॉकडाउन के टाइम मम्मा ने फिर से स्टार्ट किया एंड उस टाइम कुछ हमारे पास भी खास करने को तो था नहीं बिकॉज स्कूल भी ऑनलाइन ही था, तो एक हॉबी की तरह हमने स्टार्ट किया था। एंड तब एक बार सोचा था कि कभी ना कभी एग्जीबिशन अपनी ज़रूर लगाएंगे और आज मौका मिल गया। आज मौका मिल तो गया। तो सर जो ये गेटी थिएटर है, गेटी थिएटर में क्या पे कर रहे हैं आप इस हॉल का? हाँ, गेटी थिएटर में जो हॉल होता है वो तो एक्चुअली रेंट के लिए होता है बिकॉज इस पर तो रेंट लगता है, बिकॉज ये कोई पब्लिक यूज़ तो है नहीं, सबको लगानी होती है, तो हाँ रेंट तो होगा ही। तो आपको क्या फील हो रहा सर इस टाइम जो एग्जीबिशन आपकी लगी है चित्रकला प्रदर्शनी, 5 दिन की है? हाँ 20 से 25 तक, 6 दिन की है। 6 दिन की है सर? 6 दिन की है। तो सर क्या रिस्पॉन्स रहा कल? आज सेकंड डे है, आज सेकंड डे है, कल फर्स्ट डे था, और बल्कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा। हमने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत अच्छा होगा, ठीक होगा, जैसा भी होगा, बट कल बहुत बड़े बड़े लोग आए, इंडिया के बहुत बड़े स्कल्पचरर आए थे हमारे लिए चीफ गेस्ट की तरह, बेमन बिहारी दास जी, उसके अलावा मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहिबा सब आए थे, और हमारे उसमें वो एक भाग बने हमारे इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी का। बाकी भी जो लोग आए उन्होंने बहुत तारीफें की, बहुत बधाइयाँ दी हमारे को, जिस और एक आर्टिस्ट जो होता है वो बधाई का ही सबसे ज़्यादा पात्र है सर।
उसके पीछे होता है। और मैं यश एंड राठी चैनल को भी और मैं यश एंड कार्तिक गुलाटी चैनल को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जिनने हमारे इस एग्जीबिशन को प्रमोट किया है। अब प्लीज़ इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हर जगह, क्योंकि इनने हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पूरी एग्जीबिशन को कवर किया है, जिसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप इनके फेसबुक पेज को भी जितना यश एंड राठी फेसबुक पेज को भी यश एंड कार्तिक गुलाटी फेसबुक पेज को भी जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें जो भी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रिया है और मैं शिमला से हूँ और सारी ही पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत ही काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। और मेरी फेवरेट पेंटिंग एक ही राधा कृष्ण की है और जितनी मेटल पेंटिंग्स नीचे बनाई हैं वो बहुत खूबसूरत। आप कहाँ से? मैम शिमला से। शिमला से। तो आप स्टडी? हाँ जी, मैं स्टडी करती हूँ। तो मैम सबसे बेस्ट ये वाली बहुत प्यारी है, राधा कृष्ण की पेंटिंग, और बाकी भी सभी भी बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं शिमला का रहने वाला हूँ और मैं मॉल रोड से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पे टीटी थिएटर में ये अभी एग्जीबिशन देखी, आर्ट एग्जीबिशन, तो मैंने सोचा कि देखते हैं पेंटिंग्स वगैरह। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत मतलब आर्ट ये होता है, बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स है सारी, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, धन्यवाद। थैंक यू। बस कुछ नहीं यार, बस गांव से आए यहाँ पे।